हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलीप शर्मा आपको अपने चैनल शेखावटी गार्डनिंग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बड़े खूबसूरत से प्लांट स्पाइडर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे क्लोरोफाइटम भी बोलते हैं और जो बिगनर्स के लिए मेंटेन करना एकदम आसान है। इसके बारे में बात करेंगे, ज़मीन में ये किसी भी मिट्टी में लग जाता है, किसी भी मिट्टी हो उसमें लग जाता है, पर हम इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो इसे पॉटिंग सोयल तैयार करनी पड़ेगी। वन थर्ड गार्डन की जो टॉप सोयल होती है वो 1/3 सैंड, 1/3 कंपोस्ट, जिसमें लीफ मोल्ड, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर, किचन वेस्ट कंपोस्ट वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मैन्योर हो वो डाल सकते हैं। एक मुट्ठी नीम की खली और एक चम्मच फंजीसाइड साफ वेवस्टीन मैनको जब भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं, और एक चम्मच वुड ऐश वो भी डाल सकते हैं। इसकी पॉटिंग सोयल तैयार कर लेंगे। और इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं जिन्हें सेपरेट करके ग्रो किया जा सकता है। इनको अलग कर ले, प्लग कर ले और प्लग करके अलग पॉट में लगा दे, इनसे बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। एक तो ये अपने बेबी प्रोड्यूस करता रहता है उनसे भी अलग है, या और एक इनके रूट सेक्शन को अलग करके भी इनको डिवाइड किया जाता है। दो तरीके से ये डिवाइड होते हैं और बड़ा इजीली ग्रो होता है। मेरे पास इसकी 3 वैरायटी है, एक वैरायटी ये है, एक ये ग्रीन वैरायटी है जो एकदम ग्रीन रहती है, और एक वैरायटी वेरीगेटेड वैरायटी है। एक ये वैरायटी वेरीगेटेड है, इसकी पत्तियों अंदर ग्रीन है बाहर वाइट है, इसके अंदर वाइट है। ऐसे करके 3 तरह की वैरायटी है जो इजीली ग्रो हो जाती हैं। इसको सनलाइट कैसे चाहिए, सनलाइट इसको फुल सनलाइट में भी चल जाता है, पर आप इसे अच्छा ग्रो 3 से 4 घंटे की सनलाइट में ये अच्छा ग्रो करता है, 3 से 4 घंटे की सनलाइट में ये अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और ज़्यादा सनलाइट होने पर इसकी पत्तियाँ बर्न होने लग जाती है आगे से, और ओवर वाटरिंग से भी पत्तियाँ बर्न हो जाती है, अंडर वाटरिंग से भी पत्तियाँ बर्न हो जाती है। वो आप अपने प्लांट में चेक करें कि वो कैसे बर्न हो रही है। पानी इसको कैसे दे, पानी इसको मॉइस्ट मिट्टी ही दे, मॉडरेट पानी दे, न तो ज़्यादा पानी दे न कम पानी दे, क्योंकि ये अपने इसके प्लांट्स के नीचे ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स होने से ही ज़्यादा पानी देने से वो ट्यूबर्स गल जाएंगे और आपका प्लांट गल जाएगा। आप इसे कम पानी देंगे तो भी वह प्लांट सूख जाएगा, तो इसे न तो ज़्यादा पानी दे न कम पानी दे न ज़्यादा दे, दोनों ही मॉडरेट रखना है। केयर इसकी क्या कर सकते हैं कि फरवरी मार्च में हमने अच्छी तरीके से खाद दी, खाद देने के बाद में इसमें लिक्विड कंपोस्ट, इसका ग्रोइंग सीजन समर्स में ये अच्छी तरीके से ग्रो कर, विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है और अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते, तो इसे अच्छी सी खाद दे दी और 15 से 20 दिनों में लिक्विड कंपोस्ट दे दी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट रात भर 1 लीटर पानी में भिगो दे और वो पानी इनमें दे दे। अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हो, अगर आप केमिकल के थ्रू जाना तो 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आता है वो डालकर 1 लीटर डिजोल करके और इनमें दे दे। इस प्लांट को छाया में भी ये अच्छा ग्रो कर जाते हैं, और नाशा द्वारा अप्रूव्ड ये प्लांट है कि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है ये प्लांट। कोविड के टाइम ये बहुत अच्छा प्लांट है घर पे लगाने के लिए, और एक प्लांट से हजारों प्लांट तैयार हो जाते हैं। इस प्लांट को रूट बाउंडिंग कंडीशन ही पसंद होता है, इस प्लांट को ज़्यादा बार बार रिपोर्टिंग करना अच्छा नहीं लगता। समर्स में इसे छाया में रख दें और विंटर्स में इसे फुल सनलाइट में रख दें, और इसके बेबी प्लांट्स से अलग अलग बेबी प्लांट्स तैयार करें। इस प्लांट को गर्मियों में मिस्टिंग करते रहें जिससे ये अच्छा ग्रो कर सकता रहे, और इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, फिलर के रूप में भी लगा, हैज के नीचे भी लगा सकते हैं, ग्राउंड कवर में भी ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और इस प्लांट में फंगस होने पर क्या करें, स्पाइडर प्लांट इसको इसलिए बोलते हैं कि ये स्पाइडर की तरह ही इसकी पत्तियां जाती रहती हैं, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, और अपने एनवायरनमेंट में जो बैड
बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है और अच्छी ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देता है। अगर इस प्लांट में फंगस होने पे क्या करें, फंगस होने पे एक चम्मच नीम ऑयल और एक चम्मच लिक्विड सोप मिलाकर एक लीटर पानी में डिजोल करके और इनका स्प्रे कर दें। अगर आपके प्लांट में फंगस है तो एक से दो दिनों में करें, नहीं प्रिकॉशनली आप मंथ में एक बार भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे को स्पाइडर प्लांट के बारे में जितनी जानकारी मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।